आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं यस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जी हाँ, उन्नीस को 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ और हम इसके लिए अति धन्यवादित हैं उन वीरों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके हमारे देश को आज़ाद किया अब हमारा अपना संविधान है अब हमारा अपना राज्य है हम अपने देश की रखवाली हम अपने देश की उन्नति हम खुद कर सकते हैं और हमें करना भी है हर एक देशवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी रीति से अपने देश को समर्पित हो सकें और उसकी सेवा भी करना हमारा कर्तव्य होता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों देशवासियों कोटि कोटी, -कोटी शुभकामनाएं और ज़रूर आप तो लड्डू खा रहे होंगे कहीं ना कहीं और हमारे बच्चे शायद स्कूल में जा कर के झंडा भी फहरा रहे होंगे या कॉलेज या ऑफिस में भी एक प्रोग्राम किया होगा अपने देश को वीरों अपने देश के वीरों को याद करने के लिए है कि नहीं मुझे याद है जब मैं स्कूल जाता था और 15 अगस्त के दिन तो साफ टोलियाँ निकलती थी हैं रंग बिरंगे कपड़े और परेड में जाना और वहाँ अपने जो पदाधिकारी होते थे नेतागण होते थे चाहे वो सीएम हो या डीएम हो या कोई विशेष पदाधिकारी उनके शब्दों को सुनना और इनक्रेज होना और फिर मिठाइयों की तो ढेर लग जाती थी भैया हम तो झपट लेते थे खुशी का माहौल है है ना तो ऐसे तो अच्छी बात है कि हम इन दिस इन दिनों में खुश रहें लेकिन सिर्फ हम 15 अगस्त को ही खुश रहें लेकिन हर दिन हर दिन परमेश्वर की ओर से दिया गया दिन है और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है अपने देश के लिए क्या हम अपने देश के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कंप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है बहुत कुछ हम कंप्लेन कर सकते हैं और जैसे कि एक नेता ने कहा था ये मत पूछो ये मत पूछो कि देश मेरे लिए क्या करता है ये पूछो कि मैं देश के लिए क्या करूँगा क्या करूँगी सो आइए हम इसी प्रण के साथ इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने देश को आगे बढ़ाएं आइए हम एक साथ मिलकर के अपने देश को उन्नति की राह पर और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएँ ताकि हमारा देश दुनिया की चोटी वाले सिरों वालों देशों में महान ठहरे हम अपने देश के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को क्योंकि आपने शायद देखा होगा कि बाइबल में भी दो तीन बार भारत का नाम आया है हाँ अस्तर की किताब में भारत का नाम आया तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे देश से बहुत प्यार करता है हमारे देशवासियों से बहुत प्यार करता है हम धन्यवाद देते हैं स्वतंत्रता के लिए कि न सिर्फ हमें स्वतंत्रता मिली जो अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला हाँ उनके अधिकारियों से छुटकारा मिला उनके दासत्व से छुटकारा मिला लेकिन साथ ही साथ हम अपने देश में खुद की तरक्की के लिए आगे बढ़ सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है हम अपने देश के हर नियम को जो भी लॉ आता है उसका हम अनुशासन के साथ पालन करें हम अपने संविधान को पूरा आदर दें क्योंकि वह हमारे लिए है हम भारतवासियों के लिए हमारी सुरक्षा के लिए है। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे हम कहीं भी जा कर के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और ये एक आशीष है धन्यवाद देते हैं हम उन अनगिनत अनगिनत शूर वीरों के लिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्राणों की आहुति दी और आज हम उस आहुति का फल आ अपने जीवन में देख सकते हैं तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसको हमें अपने देश के बारे में सिर्फ अपने दिल में नहीं रखना है लेकिन दूसरों को भी हमारे भारतवर्ष के बारे में आ बताना है हाँ हमारे देश में कमियां हैं बहुत सारी कमियां हैं उन कमियों को हम धीरे धीरे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं हमारे जो अधिकारीगण हैं कोशिश कर रहे हैं कि दूर करें ताकि और समृद्धि की ओर बढ़ सके इसके साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हमें आज के दिन ये भी प्रण ले लें कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे हम अपने देश के जो नेतागण हैं शीर्ष नेतागण जैसे राष्ट्रपति हुए प्रधानमंत्री जी हुए और भी कैबिनेट के मंत्री हुए हमारे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए हमारे सीएम चीफ मिनिस्टर हुए जो भी हो ये सब परमेश्वर की ओर से दिलाए गए हैं जी हाँ परमेश्वर कभी कोई मिस्टेक नहीं करता है ये सब परमेश्वर की ओर से दिलाए गए हैं और इसलिए हम इन लोगों के लिए धन्यवादित करें और इनके लिए प्रार्थना भी करें क्योंकि हमारा देश महान है इसको चलाने के लिए तो बहुत सारी बुद्धि चाहिए भाई है और हम अपने देश के जो नेतागण हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे कि किस प्रकार से हमारे देश को चलाएं तो हम हमारा हर हर विश्वासी का जो प्रभु का है उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर के सामने हम प्रार्थनाओं में इन बातों को लाए मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ और वो पाया जाता है विशेष करके दो जगहों पर कि कैसे हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं पहला तो हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका तेरह अध्याय एक से सात पर रोमियो की किताब उसका तेरह अध्याय और एक से सात पद सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है ठीक है सुनिए हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का विरोध करता है और विरोध करने वाले को दंड पाएंगे दन विरोध करने वाले दंड पाएंगे तो जो भी अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है इन अधिकारियों की तरफ से वो हमें उसका समर्थन करना है उसका आदर करना हाँ हम ये देखें कि ये जो अधिकार दिए जाते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर न जाएं परमेश्वर के वचन के नीचे रहें तो हमें उनका पूरा सम्पोर्ट करना है उनका आज्ञा का पालन करना है तीसरा पद क्योंकि अधिपति अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी और और से तेरी सहारा सराहना होगी क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है परंतु यदि तू बुराई करे तो डर क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं वह परमेश्वर का सेवक है कि उसके विरोध के क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को क्या मिले दंड मिले इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है वरन विवेक भी इसी बात की गवाही देता है इसलिए कर भी दो हमें से कितने लोग कर की चोरी करते हैं नहीं करना चाहिए जो टैक्स है जो कर है वो हमें देना है सरकार को यदि हम कर के दायरे में आते हैं तो हमें हमारे सरकार को हमारे गवर्नमेंट को आ, वो कर देना है ये हर विश्वासी का एक कर्तव्य हो जाता है मसीह ने क्या कहा कर किसी देना है जो राजा का है वो राजा को दा है, दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कर दिया टैक्स दिया तो क्या ये हमारा और आपका एक आज्ञाकारी नहीं होता है कि हम भी कर की चोरी ना करें क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं इसलिए हर एक का हक चुकाया करो जिसे कर चाहिए उसे कर दो जिसे चुंगी चाहिए उसे चुंगी दो जिससे डरना चाहिए उससे डरो जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो भाई परमेश्वर की शिक्षा तो यही है कि हम अपने गवर्नमेंट के प्रति अपने सरकार के प्रति हमारे अधिकारियों के प्रति हमें वो डर वो भय जो परमेश्वर के भय से होकर के जाता है वो आदर अपने अधिकारियों को देना ये आज हम पंद्रह अगस्त को एक प्रकार से प्रण करें ठीक है उनके अधिकार में रहें हम उनके विरोध में कुछ ऐसी बातें ना बोलें क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस स्थान पर है अधिकारी के वो परमेश्वर की ओर से अब हमें पसंद आता नहीं आता वो अलग बात है वो तो अलग बात है ठीक है तो हमें हर एक प्रधान व्यक्ति का अधिकारी का आदर सम्मान करना है प्रेम करना है और उनके अधिकार में हम कभी भी देश के खिलाफ नहीं जाए नहीं तो ये देश तुरो तो कहलाएगा नहीं हम विश्वासियों को अपने भारतवर्ष के लिए गर्व होना चाहिए हाँ और हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ हमसे कर पड़ता है हमें करना है अच्छा ये तो बात हो गई एक एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ पहला तिमोथी और उसका एक दो और तीन पद पहला तिमोथी उसका अध्याय दो एक और दो और तीन पद अब सुनिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर वही बात आ रही है जो अभी मैंने रोमियो की किताब में आपके सामने पढ़ी अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती प्रार्थना निवेदन धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं राजाओं और सब पद पदवानों के लिए इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में जीवन बिताएं यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान सकें तो ये हम यहाँ पर प्रियो देखते हैं कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के जो अधिकारी जो ठहराए गए हैं उन अधिकारियों को हम प्रार्थना में उठाएं उनके लिए प्रार्थना करें तीतुस उसका तीसरा अध्याय और पहला पद भी यहाँ पर लिखा हुआ है लोगों को सुधी दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें किसी को बदनाम ना करें झगड़ालू ना हो पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें तो ये जो पद हमने अभी आपके सामने पढ़ा कितनी साफ़ रीति से कहता है कि पहले तो हम अपने देश के लिए धन्यवाद दें मैंने आपके सामने परमेश्वर का बचन पढ़ा ठीक है तो एक तो ये बात हुई फिर दूसरी बात यह है कि हम अपने देश के जो नियम बनाए गए हैं जो अधिकार दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनकी आज्ञाओं का पालन करें सम्मान करें हाँ और दूसरों को भी अपने बच्चों को भी सम्मान करना सिखाएं इस बात का ध्यान रहे कि हम ये याद रखें कि ये सब चीज़ें परमेश्वर के नियम के ऊपर न जाएं, है ना क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो ये है वो सर्वोत्तम है और उसी के नीचे परमेश्वर ने हमारे अधिकारियों को ठहराया है कभी भी हम अपने अधिकारियों के साथ जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं गलत रीति से बात ना करें झगड़ालू ना हो और ठीक तरह से बात करें एक भय जो होता है ना आदर वाला भय उसके साथ बात करें हो सकता है वो हमसे करे ना करे वो हमें नहीं मतलब है हमारा मतलब यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने बातों के द्वारा अपने लोगों के साथ करें फिर दूसरी बात हमने ये देखा कि हम अपने अधिकारियों के लिए अपने नेताओं के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए हमारे राष्ट्रपति के लिए सीएम, डीएम और हमारे समाज के जो लीडर हैं जो उनके लिए हम प्रार्थना करें हाँ प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इन अगुओं को इन अधिकारियों को क्या करें बुद्धि दे ताकि वे शासन अच्छी तरह से चला सकें तो ये मैं आपको बताना मांगता हूँ हम पंद्रह अगस्त को सिर्फ हम ये नहीं बोले कि हम स्वतंत्र हो गए हम स्वतंत्र हो गए हम स्वतंत्र हो गए अब स्वतंत्रता का मतलब ये तो नहीं है कि भैया हम गाड़ी चला रहे हैं पूरी स्पीड में और अगर पुलिस वाला बीच में रोकता है हाथ दे करके तो हम उसकी अनहोनी करके सीधा निकल जाते बोलेंगे भैया हम स्वतंत्र हैं हम किसी की नहीं सुनते नहीं ये तो गलत है भाई पुलिस वाला भी वहाँ खड़ा है आपकी सुरक्षा के लिए वो एक अधिकारी है हमें उसकी आज्ञा मानना है अगर वो आपसे बोलता है रुकिए तो आपको रुकना है अगर वो लाल बत्ती है तो लाल बत्ती को क्रॉस नहीं करना है ये ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत भारी मायने रखती हैं तो हम इस पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने दिया है हमारे देश को उसको हम गलत रीति से इस्तेमाल ना करें ये तो बात है तो और फिर दूसरी बात हम ये भी देखें कि जो स्वतंत्रता हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है पाप के दासत्व से हमारा उद्धार हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से उसको भी हम ना भूलें हम धन्यवाद दें उस पाप की पाप से स्वतंत्रता के लिए और कभी भी ये स्वतंत्रता हम अपने सेल्फिश स्वार्थी आ, फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें हाँ ये हम आज पंद्रह अगस्त को ये प्रण ले लें कि हम शारीरिक रीति से मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से हम उस स्वतंत्रता को सही रूप से इस्तेमाल करने वाले हो सके क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता हर विश्वासी का ये कर्तव्य होता है और अगर आप लोग सोच सोचते हैं कि भाई मैं सेना में भर्ती होना मांगती हूँ सेना में भारतीय सेना में भर्ती होना मांगता हूँ बड़ी खुशी की बात है जाइए ouais। अपने देश के लिए हमें लड़ना है हमें ऐसे शूरवीरों को शूरवीरों के लिए ज़रूरत है लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे आपके जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे हमारी सेनाओं के लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो जगह जगह बॉर्डर में जहाँ हमारे दुश्मन रहते हैं दुश्मन देश जो हैं वहाँ उन लोग अपनी प्राण की परवाह बिना किए हम हमारी रख, सुरक्षा करते हैं हम उनके लिए भी धन्यवाद दें हमारी सेनाओं के लिए हुँ? जो दिन रात बर्फीले तूफान में और बड़े बड़े कठिन जगहों पर बंदूक ताने लिए खड़े रहते कि कोई दुश्मन हमारे बीच में ना आ जाए हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें सेनाओं के जो लोग हैं उनके जो परिवार हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें है ना और जिस प्रकार से कोई एनिमी कोई शत्रु हमारे अंदर ना आए हमारे देश में उसी प्रकार से हमारा शत्रु कौन है सबसे बड़ा शत्रु कौन है आत्मिक रीति से शैतान वो भी हमारे अंदर ना आए इसलिए हमें बिल्कुल सजग सजग रहना है तैयार रहना है परमेश्वर के जो आ, आ, जो आत्मा आत्मा की जो बात है उसको लेकर के तैयार रहना है ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकें वो हमें ना करे है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस स्वतंत्रता दिवस में आ, खुशी मनाएं लड्डू बांटें, <laughs> इधर उधर जहाँ भी आप जाते हैं खुशी का माहौल है लेकिन असली चीज ये ना बोले कि बस हम स्वतंत्र हैं स्वतंत्रता है स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं हम उन जिम्मेदारियों को ना भूलें और परमेश्वर के अधिकार में रह करके उन ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएं, तो इस ये सब चीज़ें क्या है ये सब चीज़ें परमेश्वर को भाता है उसको अच्छा लगता है कि मेरे बेटे और बेटियाँ अपने देश के लिए सजग है सरगर्म है और अपने देश के अधिकारियों के नीचे काम करते हैं कितना अच्छा लगता होगा परमेश्वर को है ना सो so, आइए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें और हम आगे बढ़ें और ये करें कि हम कदम से कदम मिला करके अपने देश की बढ़ोतरी के लिए जो भी काम हमें करना है हम कर सके आइए हम अपने देश के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करें हमारे स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तूने भारत जैसा देश हमें दिया है ये हमारा देश है और हमारे सब लोग इस भारत देश में रहते हैं हमारे एक तरह से भाई बहन के रूप में हैं और हमें हम धन्यवाद देते हैं अपने लीडरों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए राष्ट्रपति जी के लिए चीफ मिनिस्टर के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए और भी जो अधिकारी गण पाए जाते हैं कैबिनेट मंत्री नर्सिस के लिए डॉक्टर्स के लिए सेनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि ये हमारी रक्षा करते हैं इनको प्रभु जी आशीष देना इनकी ज़रूरतें जो हैं तो उन्हें पूरी करना और विशेष करके जो हमारे अधिकारी हैं उनको बुद्धि मिले कि किस प्रकार से हमारे भारतवर्ष को और अच्छी तरह से उन्नति की राह पर ले जाएं हम सेना के परिवार वालों के लिए विनती करते हैं मेडिकल स्टाफ और भी सब लोग हम सब एक देशवासी अपने देश को धन्य देश के लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना हम करते रहे धन्यवाद के साथ ये सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगते हैं आमीन परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करिए पंद्रह अगस्त हैं और जिम्मेदारी को ना भूलें